Hello dear students, today we will read the chapter number 6 of your English literature book. The name of the chapter is Who Am I? Before starting the lesson, let's read the introduction which is written here. In this lesson, we look at what we are like and how each of us is different. मतलब हम इस lesson में देखेंगे कि हम सभी जो हैं दिखने में और कैसे एक दूसरे से अलग हैं. वी आर ऑल इंटरेस्टिंग पीपल इन डिफरेंट वेज एंड वी आर ऑल गुड एट डिफरेंट थिंग्स. मतलब हम जो हैं वो क्या है, हम बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हैं. हम सभी जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन हैं और हम लोग सब जो हैं, हम लोगों में हम अलग अलग तरह से डिफरेंट हैं. सभी में कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें हैं, है ना. और हम लोगों में कुछ अच्छी चीज़ें हैं और वो सब चीज़ें क्या हैं, हमारी जो क्वालिटी है वो सबकी क्वालिटी जो है वो क्या है, अलग अलग है. एज़ यू रीड दिस, थिंक अबाउट वॉट यू आर लाइक एंड वॉट यू इन्जॉय डूइंग. हम जब इस लेसन को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि हम किसके जैसे हैं और हमको क्या करना पसंद है. ओके, ये जो लेसन है इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं, है ना. अलग अलग बच्चों के बारे में बताया गया है कि वो किस तरह से, उनका इंटरेस्ट किस में है, वो किस तरह से क्या काम करने में ज़्यादा उनको अच्छा लगता है और वो क्या चीज़ करना पसंद करते हैं. हर बच्चे की, हर पर्सन की क्या होती है इंटरेस्ट, उसकी क्वालिटी सब क्या होती है, डिफरेंट होती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ बन नहीं सकता, है ना. तो हम इस लेसन में यही देखेंगे. फर्स्ट कैरेक्टर इन दिस लेसन इज, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, मेनी वॉइसेस. मतलब सब लोगों से बात करके हमको पता चलेगा कि इसमें कौन क्या कर रहा है ना. फर्स्ट पार्ट है ये चैप्टर का. इसमें सबसे पहला कैरेक्टर जो आता है वो है राधा. राधा जो है वो क्या है, राधा लाइक्स टू क्लाइंब द ट्रीज. उसको जो ट्री क्लाइंबिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मतलब उसको वो बहुत चीज़ बहुत पसंद है ना. और जब वो ये सब चीज़ें करती हैं, उसको पेड़ों पर चढ़ना है ना, वो क्या है, नेचर से बहुत कनेक्ट है. उसको ट्रीज वगैरह पे खेलना है ना, वहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है. बट उसकी मदर जो है उसको इस काम को करने के लिए क्या करती है, स्टॉप करती है, मतलब उसको रोकती हैं. बट एक दिन क्या होता है, वन आफ्टरनून शी क्लाइंब, उसकी मदर जो है वो भी, शी ऑल्सो क्लाइंब्ड ऑन द ट्री. उसकी मदर भी जो है वो क्या है, ट्री पर चढ़ जाती हैं और बोथ वर सेट देयर एंड टॉकिंग. और दोनों की दोनों जो हैं, उसकी मदर और राधा, वो कहाँ पर बैठ जाती हैं, ट्री पर बैठ जाती हैं और वो दोनों एक दूसरे से बात करती हैं. एंड ईटिंग रॉ मैंगोस, और वो क्या खा रही हैं, रॉ मैंगोस मतलब कच्चे आम खाती है. तो मतलब यहाँ पर जो क्वालिटी है, मतलब उसकी मम्मी में भी कहीं ना कहीं पेड़ पर चढ़ने की क्वालिटी होगी, वही चीज़ राधा में भी है, है ना. तो उसकी जो राधा है वो क्या है, अपने नेचर से कनेक्ट है, उसको क्लाइंबिंग करना ट्रीज पर बहुत पसंद है. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज नासिर. नासिर जो है, ही वॉन्ट्स टू कलेक्ट द सीड्स, मीन्स ही इज़ अ सीड प्रिजर्विस्ट, है ना. वो सीड प्रिजर्विस्ट बनना चाहता है. मतलब वो जो है क्या करना चाहता है, सीड कलेक्ट करना चाहता है ताकि वो क्या कर सके, कॉटन फील्ड मतलब खेतों को क्या कर सके, खेतों में प्लांट्स उगा सके, है ना. वो ये सब चीज़ें करना चाहता है. बट क्या होता है, उसके फादर जो है, उसके वो देखता है कि उसके फादर जो है, ही स्पेंड्स लॉट ऑफ मनी टू फॉर बाइंग न्यू सीड्स फॉर ग्रोइंग कॉटन प्लांट्स. मतलब कॉटन प्लांट्स ग्रो करने के लिए उसके पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पैसे स्पेंड करते हैं. बट उसने उसके ग्रैंडफादर से सीखा है. उसके ग्रैंडफादर टोल्ड हिम दैट ही यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स फ्रॉम हिज ओन प्लांट्स विच कुड बी सॉन ग्रोन न्यू प्लांट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर. मतलब कि उसके जो फादर ग्रैंड फादर थे, मतलब उसके जो दादाजी थे, उन्होंने नासिर को ये बताया था कि हम जो हैं, जो हम प्लांट्स, जो हम सीड्स बोते थे, उसी वही सीड्स को हम क्या करते थे, प्रिजर्व करके रखते थे और उन्हीं सीड्स को हम नेक्स्ट ईयर क्या करते थे, सो करते थे. मतलब उनको फिर से बोते थे और उसी से नई फसल आती थी. बट अब ऐसा नहीं होता है ना. तो वो जो है नासिर, उसको ये इगरनेस है कि अब ऐसा क्यों नहीं होता है, मैं भी सीड्स को प्रिजर्व करना सीखूंगा. ओके, नाउ देन, मतलब वो क्या बनना चाहता है, सीड प्रिजर्विस्ट, है ना.
उसको सीड प्रिजर्निस्ट बनना है। नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज रोहित। रोहित इज वेरी रोहित ही लव्स टू ट्रैवल, उसको ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद है। ओके, एंड ही वॉन्ट्स टू सी द माउंटेन्स, ओके, एंड न्यूजीलैंड्स, उसको न्यूजीलैंड भी देखना है ना। मतलब वो क्या करना चाहता है, ट्रैवलिंग करके पूरे वर्ल्ड को देखना चाहता है। वो क्या क्या देखना चाहता है, वो जो मैगजीन्स में पिक्चर देखता है न्यूजीलैंड की, उसको देखना चाहता है ना। फिर अमेजोन रिवर को देखना चाहता है जो साउथ अफ्रीका में है ना। फिर उसके बाद में वो लक्षद्वीप के डिवाइड डाउन जो सी कोरल है वहाँ पर जाना चाहता है, मतलब लक्षद्वीप पर भी जाना चाहता है वो। फिर उसके बाद में उसको कोणार्क का मंदिर भी देखना है ना। फिर उसके बाद जो उड़ीसा में है, और फिर उसके बाद उसको कहाँ जाना है, ही वॉन्ट्स टू गो टू बीजिंग ऑफ चाइना एंड पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट, उसको बीजिंग ऑफ चाइना देखना है और इजिप्ट के जो पिरामिड्स है वो भी उसको देखना है। मतलब वो क्या है, एक हिस्टोरिकल पर्सन है, मतलब वो स्टोरी जो हिस्टोरिकल थिंग्स है उससे बहुत अटैच है उसको, मतलब ये सब चीज़ें देखना बहुत पसंद है उसका। इंटरेस्ट है ट्रैवलिंग में, और ट्रैवलिंग में क्या घूमना, हिस्टोरिकल प्लेसेस को घूमना जहाँ से उसको कुछ हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। ओके, नाउ इन द नेक्स्ट कैरेक्टर इज सरबजीत। सरबजीत जो है वो क्या है, ही इज़ वेरी एंगर पर्सन। वो कैसा है, एंगर पर्सन है, मतलब वो हमेशा क्या करता है, सही बोलना, ट्रुथ बोलना चाहता है, और वो सही बोलता भी है बट उसकी बात का कोई ट्रस्ट नहीं करता ना, उसकी बात को कोई सुनता नहीं है, तो वो क्या हो जाता है, एंगर हो जाता है ना, उसको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट कैरेक्टर इज डोलमा। डोलमा जो है वो क्या है, ही वॉन्ट्स टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर, सॉरी शी वॉन्ट्स टू बिकम प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। एंड शी ऑलवेज हेल्प्स टू अदर्स, ओके, टू टीचर्स एंड टू स्टूडेंट्स ऑल्सो इन द स्कूल। वो स्कूल में टीचर्स की और स्टूडेंट्स की क्या करती है, हेल्प करती है। एंड शी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हर विलेज, वो उसकी विलेज, उसका जो गांव है उसकी वो जो कंडीशन है उसको वो क्या करना चाहती है, इम्प्रूव करना चाहती है। शी वॉन्ट्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल्स, रोड्स एंड स्कूल्स, ओके। एंड उसके लिए उसको क्या बनना है, और वो क्या कर सके, बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में जो है बहुत सारे डिशेज़ को इन्वेट कर सके, ये सब चीज़ें वो चाहती है कि बहुत सारे साइंटिस्ट हमारी इंडिया में हो। ओके, ये सब चीज़ें उसको करना है। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज पीटर। पीटर जो है वो क्या है, ही इज़ वेरी अटैच्ड विथ हिज फैमिली, वो उसकी फैमिली से बहुत अटैच है, मतलब वो फैमिली में रहना बहुत पसंद करता है। ओके, और द सेकेंड डे, सेकेंड संडे ऑफ एवरी मंथ इज फेवरेट डे ऑफ पीटर। पीटर का जो फेवरेट डे है वो कौन सा है, एवरी संडे का जो है सेकेंड, सॉरी एवरी मंथ का जो सेकेंड संडे है वो उसका फेवरेट डे है। क्यों, बिकॉज होल फैमिली गोज टू सी द सिनेमा, जो उसकी पूरी फैमिली है वो सब कहाँ जाती है, सिनेमा देखने के लिए जाती है। एंड ही लाइक्स टू सीट इन डार्क रूम एंड वॉचिंग मूवी, उसको मूवी देखना, मतलब डार्क रूम में बैठकर मूवी देखना बहुत पसंद है, और वो भी किसके साथ, अपनी फैमिली के साथ। ओके, मतलब और उसको अपनी फैमिली के साथ आइसक्रीम खाना है ना, पीनट्स खाना, और उससे क्या होता है, उसको बहुत अच्छा फील होता है, मतलब वो अपने आप को क्या फील करता है, लकी फील करता है कि उसकी एक इतनी अच्छी फैमिली है। सो हैव यू सीन दैट हियर डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ डिफरेंट चाइल्ड, मतलब हमने यहाँ बच्चों के अलग अलग कैरेक्टर देखे, और हर एक बच्चे में अलग अलग क्या थी, क्वालिटी थी, अलग अलग उनका इंटरेस्ट था। सभी बच्चे एक जैसे नहीं, उनके सभी इंटरेस्ट जो थे क्या थे, अलग अलग थे। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था लेसन का, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, मतलब बच्चे जो हैं वो किस टाइप से इंटेलिजेंट होते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक ही चीज़ में बच्चा इंटेलिजेंट हो ना, वो किसी बच्चे का इंटरेस्ट किसी और फील्ड में होता है, किसी का और किसी फील्ड में होता है। तो यहाँ हम बच्चों के टाइप्स देखेंगे कि किस टाइप्स के इनके बच्चे होते हैं जो इंटेलिजेंट हो सकते हैं ना। सबसे पहला उसमें आता है विजुअल, विजुअल में आता है मतलब आप जिन चीज़ों को देख सकें,
मतलब आप जिन चीज़ों को क्या करें, सोच कर उसके बारे में कुछ बना सके, मतलब आपका विजुअल है। लाइक जैसे एक क्या होता है, पेंटर, वो क्या करता है, वो विजुअलाइज करता है, मतलब वो जो सोचता है उसको वो पेंटिंग में उतार देता है ना, मतलब वो पूरी पेंटिंग बना देता है उसकी। तो वो क्या है, विजुअल पर्सन है, मतलब वो जो देख रहा है वही वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो इस टाइप के विजुअल पर्सन जो होते हैं तो वो क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम स्कल्पचर, आर्टिस्ट, इन्वेंटर, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनर, मैकेनिक इंजीनियर। ये सब चीज़ें अगर ये इस टाइप की क्वालिटी अगर हम में है, मतलब अगर हम विजुअलाइज इंटेलिजेंसी रखते हैं, तो मतलब हम क्या कर सकते हैं, ये सब जो हैं ये क्या हमारी लाइफ में हम ये बन सकते हैं ना। ओके, नाउ दिस नेक्स्ट इज वर्बल, वर्बल इंटेलिजेंस। मतलब बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उनमें क्या क्वालिटी होती है, हर चीज़ को एक्सप्रेस करने की, मतलब दे हैव द गुड कमांड ऑन द ओवर द लैंग्वेज, मतलब उनकी लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड होती है और वो बहुत अच्छा बोल सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो पर्सन्स होते हैं जो ऐसी इंटेलिजेंसी रखते हैं, वो पर्सन्स क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम पोएट, जर्नलिस्ट, राइटर, टीचर, लॉयर, पॉलिटिशियन एंड ट्रांसलेटर। ये सब जो कैरेक्टर्स हैं वो अपनी लाइफ में मतलब बन सकते हैं, वो ये सब चीज़ें अगर उनमें ये क्वालिटी है, वर्बल है वो, अगर वो बोलने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, उनकी कमांड बहुत अच्छी है लैंग्वेज पर, तो वो ये सब चीज़ों में अपने आप को, अपने फ्यूचर को आगे बढ़ा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज द मैथमेटिकल, मैथमेटिकल इंटेलिजेंसी। वॉट इज इट, जो बच्चा जो है वो क्या होता है, लॉजिकल होता है, मतलब वो हर चीज़ में लॉजिक लगाता है, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा नहीं तो ऐसा। तो ये जो मैजिक लॉजिकल पर्सन होते हैं वो क्या होते हैं, उनकी जो इंटेलिजेंसी होती है वो कैसी होती है, मैथमेटिकल होती है, मतलब वो मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं ना, वो कैलकुलेशन बहुत पास कर सकते हैं। तो इस टाइप के बच्चे के जो इस टाइप की जो इंटेलिजेंसी रखते हैं वो पर्सन क्या बन सकते हैं, दे कैन बिकम द साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ओके, अकाउंटेंट, मैथमेटिशियन, ये सब बन सकते हैं वो। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज बॉडीली इंटेलिजेंसी। बॉडीली इंटेलिजेंसी मतलब जिनका अपनी बॉडी पर, मूवमेंट पर क्या होता है, कंट्रोल होता है ना, जो कंट्रोल योर बॉडी मूवमेंट एंड हैंडल ऑब्जेक्ट स्किलफुली, मतलब जो बॉडी, इस टाइप के जो पर्संस होते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा कि जो एथलेट होते हैं ना, जो डांसर्स होते हैं, फिजिकल एजुकेशंस होते हैं, मतलब ये सब, ये जो है जो स्पोर्ट्स वगैरह में काम करते हैं ना, स्पोर्ट्स रहते हैं, क्राफ्ट में, एक्टिंग में, जैसे अगर हमारा बॉडी लैंग्वेज अच्छा है तो हम एक्टिंग अच्छी कर सकते हैं। एक्टर वही बन सकता है जिसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, जो बॉडीली मतलब क्या हो, बॉडी लैंग्वेज उसकी अच्छी हो, मतलब वो अपनी बॉडी को अच्छे मैनर्स में सेंस अच्छे मैनर्स में बैलेंस कर सके, हर चीज़ को ठीक से पकड़ सके। जैसे आपने देखा होगा कि सर्कस में जो पर्सन सर्कस दिखाते हैं वो क्या होता है, उनका उनके अपनी बॉडी पर क्या होता है, बहुत कंट्रोल होता है, इसीलिए वो कभी भी इधर उधर नहीं जाते, मतलब वो जो हमको दिखाते हैं सर्कस में सब थिंग्स करके, वो सब जो है उनकी क्या होती है, प्रैक्टिस, मतलब वो बॉडीली बहुत वैसे ही पर्सन होते हैं, जो बॉडीली पर्सन होते हैं, मतलब जो बॉडी से बहुत एक्टिव होते हैं, जिनका अपनी बॉडी मूवमेंट पर क्या होता है, कंट्रोल होता है, वो बॉडीली इंटेलिजेंसी पर्सन्स होते हैं। और इस टाइप के पर्सन जो होते हैं वो डांसर बन सकते हैं, है ना, एक्टर बन सकते हैं, फायर फाइटर बन सकते हैं, क्राफ्ट पर्सन बन सकते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज म्यूजिकल इंटेलिजेंसी। म्यूजिकल इंटेलिजेंसी मतलब जिस पर्सन को इंटरेस्ट जो है म्यूजिक में होता है, जो म्यूज़िक कंपोज कर सके, म्यूज़िक सिंगिंग कर सके, जिसको सिंगिंग में, है ना, साउंड में, रिदम में, जिनको जिनका क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, वो ये सब जो है वो क्या कर सकते हैं, वो म्यूज़िकल मतलब इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले कर सकते हैं, मतलब वो म्यूजिशियन बन सकते हैं, है ना, फिर सिंगर बन सकते हैं, कंपोजर बन सकते हैं, उनका फ्यूचर इसमें बहुत ब्राइट होगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल मीन्स वी हैव द क्वालिटी टू अंडरस्टैंड अदर्स, मतलब हम दूसरे की भावनाओं को, दूसरों को बहुत अच्छे से समझ पाए, है ना। वी ट्राई टू सी थिंग्स फ्रॉम अदर पीपल्स पॉइंट ऑफ व्यू इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ दे थिंक और फील, मतलब हम ये देख सके कि दूसरा व्यक्ति जो है वो कैसे फील कर रहा है, उसकी फीलिंग को हम एक्सप्रेस कर सके हमारे वर्ड्स में,
ना, ऐसा जिनमें मैनर होता है, मतलब ऐसी जिनमें इंटेलिजेंसी होती है, वो क्या, वो किस टाइप के पर्सन्स होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंसी पर्सन्स, है ना, उनमें ये क्वालिटी होती है, इंटरपर्सनल क्वालिटी होती है। और एस टाइप के पर्सन जो है वो क्या बन सकते हैं, काउंसलर बन सकते हैं, है ना, सेल पर्सन बन सकते हैं, पॉलिटिशियन बन सकते हैं, बिजनेसमैन बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, ओके। ताकि उनमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब वो बहुत हर चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। तो हैव यू सीन दैट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसी इन दिस चैप्टर बाय द कैरेक्टर एंड बाय द इंटेलिजेंस, ओके। मतलब हमने इस चैप्टर में कैरेक्टर वाइज भी क्या देखा है, डिफरेंट कैरेक्टर्स देखे जिनके डिफरेंट इंटरेस्ट है, और हमने इंटेलिजेंसी की बेस पर भी कैरेक्टर्स देखे जो हम बन सकते हैं, मतलब जो हमें क्वालिटी होती है ना। अब हर पर्सन में एक क्वालिटी तो होगी होगी, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो हम में अगर कोई भी क्वालिटी है तो हम फ्यूचर में कुछ भी बन सकते हैं, बट ओनली वी हैव टू फाइंड आउट अवर क्वालिटी। सिर्फ हमको हमारी क्वालिटी जो है, जो हमारा इंटरेस्ट है, उसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि हम किस स्किल में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, इन विच स्किल वी आर गुड, ओके। जिस स्किल में हम अच्छे हैं उसी में हमको हमारा फ्यूचर आगे बढ़ाना चाहिए, ओके। थैंक यू ऑल ऑफ यू। नाउ यू हैव टू रीड दिस लेसन थॉरली फ्रॉम योर बुक एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।